Okay. I came here first time, so I'm just seeing this, and let's see. I wish Hema that this club will go rocking, you know, in future. And love you all, media. Thank you so much for printing me and putting me everywhere. Recently, you also came with a song. Kaisa response the song, guys? Yeah, I recently signed the agreement with T-Series. Not T-Series, Time. So I and this will be coming on 31st. रिलीज होने पे पता चलेगा, नए साल में कुछ अच्छा धूम मचाएगा डेफिनेटली जी. इसके अलावा भी मैं कर रही हूँ, वो आपको अपडेट मैं करती जाऊंगी जो भी आता जाएगा. आप लोग का आना है आपको तो. मुझे आके बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज़ वेरी गुड हैपनिंग प्लेस एक्चुअली एंड बीइंग अ लेडी ओपन करना दिस अ वेरी गुड थिंग सो वेरी गुड. सॉरी एक्चुअली मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ, अनप्लान रहता है तो अभी कुछ माइंड में नहीं है, लेट्स सी क्या होता है. प्रोफेशनली आई मीन टू एक्टिंग एंड एक्ट्रेस. अभी जस्ट मेरी वेब सीरीज आई थी हनीमून डायरी एंड कुछ अपकमिंग चालू है, लेट्स सी कुछ अच्छा ही मिलेगा. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड जया भट्टाचार्य जी एंड दिस इज मैम. कुछ बोलिए हमारे नाइट क्लब के बारे में. यस हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर टू द एम्स. Cheers. Yeah, Mumbai, I'm so very happy for Hema. Hema Chaudhary is even madder an animal lover than me. And she, and frankly speaking, bolu. This venture is also something which is supposed to be supporting the animals. Street animals, always. So, iska commitment, ise yahan tak lekar aaya hai. And I wish her all the best. Thank you. जितने भी आए सबको आज मैं मस्ती नहीं कर सकती ज्यादा बिकॉज कल शूटिंग है. 9 o'clock पहुँचना है, मैं आएगा हूँ तो 12 बजे कट आउट टाइम है. तो न्यू ईयर के दिन ऐसे कुछ नहीं होगा. जितने भी आए ऐसे ही बाइट लो के इधर ही आए, हमेशा आए, बार बार आए यार, मेरा बिजनेस का मॉल. या एब्सोल्युटली. सो न्यू ईयर विल बी हियर इटसेल्फ. अगर आप लोग आते हो तो जरूर देखिएगा हमें यहीं पे. एंड ये तो लाइक अड्डा बन जाएगा. यस आपको पैसे जरूर देंगे अपने. वो बस गोरी नहीं करेंगे. ऑलवेज थैंक यू जया. ऑलवेज थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Yeah. Thank you.
आज क्लब ओपनिंग है जैसे कि, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अच्छी म्यूजिक लग रही है। अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ, अंदर जाऊँगी तो पता चलेगा कि क्लब का वाइब कैसा है, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर लाइक आई एम इनटू म्यूजिक वीडियोज़। पहले मैंने टीवी किया 2 साल, लेकिन टीवी से भी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है। सो आई एम लाइक 2-3 म्यूजिक वीडियोज़ आर देयर विच आर अपकमिंग, एंड वेब सीरीज भी है जो अभी तक चल रही है पाइपलाइन में। Thank you. There are web series coming up and the movies coming up. When the time is right, we will definitely talk about it. Thank you. Thank you, Chale. एक एक को मुझे अंदर से बाहर ला रहे हैं, बाहर से आ गई। चलो आओ, मैम क्या कहेंगी दैफ के लिए, क्या आप शुभकामनाएं आपकी रहेंगी? हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? मस्त, एकदम बढ़िया। ठीक है, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशंस टू हेमा जी, एंड यस वी आर प्राउड ऑफ हर, एंड आगे क्या बोलूँ, आप भी अच्छी ब्लेसिंग्स हो एंड यहाँ पर आते रहो, दी एम मुंबई, एंड हम भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच शिफा फॉर कमिंग, थैंक यू। आप भी सारे लोगों को बताओ आपके, ठीक है? यही होने वाली, सब लोग आ जाओ, शिफा मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे, जरूर आएगी। ऑफकोर्स यही होगी न्यू ईयर की पार्टी, बिकॉज अभी अपना ही है तो फिर कहाँ और कहीं क्यों जाना है ना। सॉरी, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, शी इज लाइक अ फैमिली एंड वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, लाइक बेजुबान NGO है उनका, एंड द एम खोला है उन्होंने, तो उनके और भी अच्छे। अभी तो शुरुआत है इनकी खाली। यस, आगे आगे देखो होता है क्या। आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो अपकमिंग में कुछ लाइनअप चल रहे हैं प्रोजेक्ट की? शी इज अ वेरी वेरी फेमस, आप सब जानते हो कौन है।
TikToker, very famous one, guys. Enter Thank India. You so much, and inshallah, मैं खुद के अपने ब्रांड के साथ आ रही हूँ, क्लोथिंग ब्रांड. So yes, आप सबको इनवाइट करूँगी जब लॉन्च होगा. मैम, आपसे मुझे भी क्या कहना चाहोगे? Always I love her. Thank you so much for coming here. Thank you so much. I'm Team and Hema Chaudhary. भूमिका कामनाएं है. वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग क्लब्स खुल चुका है अंधेरी में. एंड बिग कंग्रेचुलेशन टू हेमा. एंड एक से दो, दो से चार, वॉच आउट ऑल द क्लब्स. यहाँ पर बहुत बहुत हम अच्छा करने वाले हैं. सो कंग्रेचुलेशन हेमा. शी इज अ क्वीन ऑफ क्लब मैन. थैंक यू. एंड शी इज गोइंग टू डू सो वेल. आई कांट वेट टू पार्टी एंड ऑल्सो डू माई बॉलीवुड नाइट्स ओवर हियर. सो वी नीड टू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नए साल का तो शायद नहीं होगा क्योंकि मैं गोवा में होंगी, बट मुझे पता है बहुत सारी नाइट्स यहीं पर होने वाली है. फ्राइडे सैटरडे, बट फ्राइडे सैटरडे बहुत सारा करेंगे, धमाल करेंगे. और देखना बॉलीवुड नाइट्स के ओनली व्हेन एवर शी इज इन मुंबई ओनली आई एम गोइंग टू. या वी आर गोइंग टू डू पैक्ड हाउस ऑफ बॉलीवुड नाइट्स. बहुत एक बहुत फेमस बॉलीवुड नाइट है गोवा की जो हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे विद हेमा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ पैक्ड हाउस. घूमकर मैम, आपको पता है कि नहीं, हेमा मैम ने बताया कि यहाँ पे विदेशी व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं आप जी. इंडिया में रहने के बाद अभी मैं जाके खाने वाली हूँ और फिर मैं रिव्यू दूंगी विदेशी व्यंजन का. बट हेमा इज द मास्टर माइंड. मुझे पता है उन्होंने जो कुछ भी किया होगा बहुत अच्छा किया होगा. दर्शकों से अपील करना चाहूंगी, यहाँ आइए, पार्टी कीजिए, क्योंकि एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा इस क्लब में. एंड हेमा जी ने ये क्लब खोला है, हर क्लब का अलग एक्सपीरियंस होता है. मुंबई बहुत अलग होगा, तो आइए एंड गेट ड्रंक. बोलो क्या शुभकामनाएं होंगी? अरे गोल्डन का इसके द एम के लिए गोल्डन बहुत ज़्यादा अच्छे ले और फुल गोल्डन का इतने सपोर्ट है. ए हाय भाई, वेलकम. हम लोग जाने से भी फ्रेंड से मिल रही हैं. अच्छा, तो बीच में आ जाओ आप. तो जी, क्या शुभकामनाएं होंगी लेडी आयरन हेमा के लिए? आई वेलकम देम टीम एंडर हेमा चौधरी की तरफ से. बॉस रुकियो रुकियो, भाई तरफ पीछे आना. पहले तो हेमा जी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि गोल्डन गाइस को इनवाइट किया और इतना सारा मीडिया ने प्यार दिया. और हम लोग द एम के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि गोल्डन गाइस का फुल सपोर्ट रहेगा क्लब को. आपका न्यू ईयर का मेरा प्लान है, मैं सूरत में मेरा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है सूरत का, 10,000 क्राउड है, तो वहाँ पे मैं मेरा गेस्ट अपीयरेंस है. और बिग बॉस चल रहा है तो फॉलो कर रहे हैं, और किसको मानते हैं कि कौन बिग बॉस का मेन एमसी स्टैंड? नहीं रे, एमसी भाई रे, वो रो रहा है यार. नहीं रे, हम लोग थे ना अंदर, वो बहुत रो रहा था अंदर, बोला सनी भाई मेरे को कुछ भी करो बाहर आने गए. सच में आप लोगों को लगता है कि बिग बॉस में रहना आसान है, पर सच में नहीं आसान, क्योंकि हम लोग 7 दिन थे वहाँ पर, हालत खराब हो गई. अर्चना को सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो रियल गेम खेलती है और कुछ भी उसके दिमाग गलत उसके
दिल में नहीं है, कुछ दिमाग में, क्योंकि एवरी डे वो पूरा खाना वही बनाती है घर में। कम से कम 14 मेंबर है, 14 कंटेस्टेंट है वो घर में, और हम दोनों को पकड़ के 16 थे, तो 16 लोगों का दो टाइम खाना बनाना बहुत हार्ड वर्क कर रही है, मुश्किल है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मैं एमसी को बोल के आया है, भाई तू जीतेगा, तेरे को वापस हेल्प लगेगी तो गोल्डन गाइस अंदर आएंगे, टेंशन मत ले। पर मैं अर्चना को करना चाहता हूँ, क्योंकि अर्चना है मेरी बहुत क्लोज, सभी हमारे वैसे क्लोज है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है, पर मैं अर्चना को सपोर्ट करता हूँ, मैं स्टैंड को करता है। गेस्ट अपीयरेंस था, आपने देखा ना, पूरा गोल्ड के ऊपर टास्क था। कभी आपको मौका मिला तो बिग बॉस में जाने का क्या करेंगे? मौका मिलेगा तो जरूर जाएगा, और छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ बिग बॉस का। 5 साल से मैंने ट्राई किया, तब मेरे को जाने का मौका मिला था 7 दिन के लिए। क्या उसको समझाया ना शालिन को? शालिन को बोला भाई है मेरा छोटा, शालिन भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, शालिन पण खूप चांगला मित्र आहे माझा, लहानपणाचा मित्र आहे तो, कमीत कमी त्याच्यानं माझ्या मैत्रिणीला, म्हणजे मित्र आमिर दोघं असेल, एक कमीत कमी 15 वर्षापासून तो माझा मित्र आहे शालिन। तेव्हा गोल्डन गाइस की गोल्डन विशेष है, और हम लोग जुड़ गए एक क्लब से, तो ये क्लब भी पूरा सोने का हो जाए। अरे मेरा खुद का क्लब है ना। ओके थैंक यू, मैं समझता हूँ कि एम्फ एक बहुत ही, एम्फ इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग नाइट क्लब नाउ, इट हैज गॉट ऑल द शेड्स विच एनी क्लब कैन हैव, वेरी गुड क्राउड, आई थिंक वेरी गुड बारटेंडर हु इज सर्विंग विद एफिशिएंसी, देयर इज अ नाइस डीजे, आई थिंक यू हैव ऑल द एलिमेंट्स, जो एक अच्छे पब के अंदर हिमा को सब जानते हैं। मैं समझता हूँ ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जिस तरह से हेमा ने अकेले दम पर इतने बड़े क्लब को और इतने लोग जो उनको चाहते हैं वो यहाँ पर आए हैं, इट इज़ वेरी वेरी एडमिरेबल, एंड आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट दैट दी एम शुड डू एक्सप्लोसिवली वेल एंड लेट इट बिकम द बेस्ट नाइट क्लब इन मुंबई। हेमा जी की माने तो उन्होंने कहा है कि बहुत खास व्यंजन यहाँ पे विदेशी व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए, लोगों का काफ़ी ख्याल रखा जाएगा, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए मैं इसकी सॉफ्ट ओपनिंग में भी आया था अभी परसों, और आज भी आया हूँ, थैंक्स टू हेमा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैंने यहाँ के जो स्नैक्स टेस्ट किए हैं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, मैं कहीं अतिशयोक्ति नहीं लगा रहा हूँ, इतने बढ़िया क्यूरेटेड हैं, इतने बढ़िया मैं समझता हूँ बने हुए हैं, स्टाइलिश हैं, कस्टमाइज हैं, जो गोरमे है, और सीधे आप खाइए तो ऐसा लगता है कि अंदर मेल्ट कर रहे हैं, वेरी फ्रेशली डन, नाइस सैलड्स, nice canapés and a nice vegetarian non-vegetarian snacks and very continental and also the Indian, so it's a great amalgamation of Indian and continental cuisine and with the great snacks and lovely bar, lovely ambience, just now I was listening to the music, it's a rocking music, so all the elements this club has, the DM and hoop hoop hooray DM, thank you. Ek last sawal, kya kuch chal raha hai aapki zindagi mein aur kaise celebrate kar rahe hain 2023? देखिए आज आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू द क्रिसमस एंड वी आर, इट्स रेड इन कलर राइट नाउ द एंड, सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, न्यू ईयर वी विल सेलिब्रेट हियर, आई विल होस्ट मोस्ट ऑफ माई पार्टीज इन द एंड, बिकॉज दिस प्लेस अट्रैक्ट द